पहले यहाँ देखिए, एक कॉपर का वायर ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो सिंपली पहले इसको अटैच कर देते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये दोनों स्विच के दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, अटैच हो गया। फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो कौन सा, यहाँ पे पहले 2 से 2.5 इंच का एक वायर ले लेते हैं। यहाँ से इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे कौन से, यहाँ पर ये पॉइंट पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर दिया। सॉरी, गलती मैंने यहाँ पर यहाँ से बता दिया था, क्योंकि वो डायरेक्शन, जब कभी भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो फेस रहता है वो राइट साइड हमेशा रहता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसी तरह यहाँ पर भी कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाले पॉइंट पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए भी 2 से 2.5 इंच यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और स्विच का एक पॉइंट यहाँ चले गया सॉकेट में, और ये दोनों क्या हो गया, फेज हो गया। अब आते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को कैसे ज्वाइन करना है ये भी बता देते हैं सिंपली फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वायर अटैच करेंगे पहले, फिर वहाँ से अटैच कर यहाँ पर एक वायर अटैच करेंगे, फिर यहाँ से एक वायर क्या निकाल देंगे, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। तो सिंपल कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से एक वायर जोड़ कर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट निकाल देंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या कर दिए, निकाल दिया, मतलब कि न्यूट्रल के लिए डायरेक्ट यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ पर जाएगा, तो वही स्विच सॉकेट चालू होगा। अब इस लेते, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल का वायर दिया, वैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अटैच कनेक्ट करना है। तो आप सब देख सकते हैं कि अर्थिंग का वायर भी यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे न्यूट्रल का वायर अटैच करके यहाँ से एक पॉइंट निकाल दिए हैं, वैसे ही अर्थिंग का भी वायर यहाँ पर यहाँ से क्या करके कनेक्ट कर अटैच करके निकाल दिया, जैसे कि हो जाएगा अर्थिंग का। तो अर्थिंग का भी हमारे पास नहीं है, तो इसमें पहले एक सप्लाई देंगे न्यूट्रल फेस। पहले क्या करेंगे, फेस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जो डायरेक्ट फेस आएगा यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये वायरिंग परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए न्यूट्रल फेस का कनेक्शन भी दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले 2 वायर जो न्यूट्रल फेस के लिए बना चुका है, क्योंकि कभी भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल और फेस का वायर, जो फेस का वायर रहता है वो लाल रहता है और न्यूट्रल का जो वायर रहता है वो ब्लैक रहता है। तो पहले यहाँ सिंपली क्या कर लेते हैं, जो लाल वायर है पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए फेस जो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दोनों स्विच के बीच में, यानी कि एक स्विच में कनेक्ट किया, जो कि दोनों में ट्रांसफ़र हो चुका है फेस। अब आते हैं न्यूट्रल के बारे। अब न्यूट्रल क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अर्थिंग नहीं है, तो अर्थिंग को मैं नहीं लगाऊंगा। अगर वहाँ पे अर्थिंग होगा तो आप वहाँ पे अर्थिंग लगा सकते हैं। तो सिंपली पहले क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूट्रल को जोड़ लिया है और यहाँ पर फेस को जोड़ लिया है। तो अब यहाँ पर इसको चालू करके बताएंगे कि ये चालू होता है कि नहीं चालू होता है। तो पहले यहाँ पर चालू कर लेते हैं। चालू करने के लिए हमें, जो कि ऑलरेडी मैंने एक होल्डर और बल्ब बना करके रखा है, जो अभी स्टार्ट करके मतलब बल्ब ऑन होता है कि नहीं होता है। तो सिंपली अभी यहाँ पे चेक करके बताएंगे। पहले इसको सप्लाई देते हैं, ये देखिए सप्लाई दे दिए हैं, मतलब 2 सॉकेट में लगा देंगे। अब इसके बाद बल्ब को क्या करने वाले हैं, ऑन करने वाले हैं। तो देखिए ऑन किए, अब यहाँ पर देखिए ये बल्ब क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें भी आ जाते हैं, अब इसमें कनेक्ट करके बताएंगे। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, यानी कि जो इस बोर्ड की वायरिंग हुआ है परफेक्ट प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो ऐसे आप अपने घर के भी वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में MCB है तो MCB बंद करने के बाद ही आप बोर्ड को हाथ लगाइए। तो सिंपली मेरा यही मानना है।